प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ से देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं आपका अंग्रेजी विषय का सिलेबस, यानी कि आज हम ये जानेंगे कि आपके त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं अंग्रेजी विषय के पेपर में आपसे कौन कौन से पार्ट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज यहाँ से आप सभी को आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस यहाँ से बताने वाला हूँ। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 कक्षा 11वीं में आपसे अंग्रेजी विषय में कौन कौन से पार्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, तो देखिएगा आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होगा उसके लिए पार्ट निर्धारित कर दिए गए हैं और इसके आधार पर ही आप लोगों को इसका सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा में आपसे कौन कौन से पार्ट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका सिलेबस। तो देखिएगा सबसे पहले आपकी जो पुस्तक है उसका नाम है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल में से आपको दो जगह इनको बांट लेना है, प्रोज और पोएट्री में। अगर प्रोज की बात की जाए तो प्रोज के कौन कौन से लेसन होंगे जो कि इस बार आपसे त्रैमासिक में पूछे जाएंगे। तो लेसन वन जिसका कि नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, ये आपसे पूछा जाएगा। लेसन टू वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी टुगेदर, ये पूरा पार्ट था, इसको आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ लेने चाहिए, ये आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। उसके अलावा चैप्टर 3 है जिसका कि नाम है डिस्कवरिंग ट्रुथ सेगा कंटिन्यूअस, तो देखिएगा ये आप लोगों को पढ़ लेना है, इसमें से भी आपसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में पोएट्री वाले पार्ट की बात करें तो पोएट्री में से एक तो आपको ए फोटोग्राफ जो कि पोएम दी गई है इस द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी के बाद में ही आपको मिल जाएगी देखने को। उसके अलावा अगली पोएम है द लेबरनम टॉप, ये भी आप लोगों को अच्छे से याद कर लेनी है, यानी कि इस पोएम के आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कर लेने चाहिए। अब इसके बाद में अगली जो पोएम है जिसका नाम है द वॉइस ऑफ रेन, इसको भी आप लोग पढ़ लें अच्छे से और इस पोएम को भी आप लोग समझ लीजिएगा। और एक और आपकी जो पुस्तक है उसका नाम है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट नाम की जो पुस्तक दी गई है इसमें से कौन कौन से आपको याद करने चाहिए, तो देखिएगा स्नैपशॉट में से आपको एक तो ये वाला द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये वाला जो चैप्टर दिया गया है इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग याद कर लेंगे। और इसके अलावा अगला जो चैप्टर है इसी में वो दिया गया है द एड्रेस, तो एड्रेस के क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को अच्छे से याद कर लेने हैं, ये भी आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। उसके अलावा अगला दिया गया मदर्स डे, मदर्स डे ये आप लोगों को पढ़ लेना है, ये भी आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। चलिए अब ग्रामर को देख लेते हैं। तो ग्रामर में देखा जाए तो ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी होगी, देखिएगा एक तो आप लोग नोट मेकिंग समरी को बनाना सीख लें। वैसे तो आपको नोट मेकिंग समरी बनाना आती होगी, और अगर नहीं आती है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोग नोट मेकिंग समरी को बनाना ज़रूर सीख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखिएगा पोस्टर मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट मेकिंग और नोटिस, इन टॉपिक को भी आप लोग कवर कर लें, ये भी आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। एप्लीकेशन आपको याद करनी है, लेटर इसमें पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, डू एज डायरेक्टेड भी पूछे जाएंगे। डू एज डायरेक्टेड की तैयारी के लिए मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा एंड स्क्रीन के रूप में, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लें। और इसके अलावा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, और इसके अलावा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, ऐसे और अनसीन पेसेज भी आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आप सभी को आपकी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के लिए अंग्रेजी विषय का पूरा सिलेबस बता दिया है, इससे आपको ये पता चल गया होगा कि हमें कौन कौन से पार्ट अब अच्छे से याद कर लेने चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।